है, वहां कोरोना को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि वहां पे विपक्ष क्यों इतना कमजोर नजर आता है। हालांकि कांग्रेस ने वहां की हेल्थ सर्विसेज को लेके कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या इस तरह की मांग वहां नहीं होनी चाहिए? और एक इसी से जुड़ा सवाल यह है राहुल जी, ना, हमें कि हमें हमें आप गुजरात लगातार के ये बारे बात कर में रहे हमें हैं। गुजरात के बारे में प्रेसिडेंट्स रूल मांगना चाहिए। मतलब नहीं, आप हम गुजरात की लगातार, आप सरकार बीजेपी से लेके बीजेपी को पकड़ा दें, इसका नहीं, आप क्या लगातार ये, लॉजिक है? आप लगातार ये, वहां पे सेना उतारने की बात की गई, इस तरह की चीजें लगातार आप राजनीति न करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति तो हो रही है। मैं क्या इतना कहना कहना है है कि इस समय गुजरात में? में तो जी बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो बीजेपी की सरकार होगी। ये लेकिन नहीं, वहां तो पर आपकी आपकी इलॉजिकल बात है, मुझे बोलने दीजिए, ये तो आपकी बिल्कुल इलॉजिकल बात है। जहां तक विपक्ष की बात है, गुजरात में हमारे लोग विपक्ष की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ रहे हैं, वो आपको जब चुनाव होगा वहां पर पता लग जाएगा। मगर एक स्पिरिट से मैं कहना चाहता हूं, देखिए डेमोक्रेसी में अगर महाराष्ट्र में सरकार है तो बीजेपी का काम उसको अपोज करने का है, कोई गलती नहीं है। अगर बीजेपी सवाल उठाना चाहती है, कंस्ट्रक्टिवली सवाल उठाना चाहती है, उनको उठाना चाहिए, उससे फायदा होता है, उससे हमारी सरकार उनकी बात सुनकर सीख सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को उखाड़कर बिना कोई कारण प्रेसिडेंस रूल लगाना, उसमें और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में बहुत फर्क है। अगर बीजेपी हमारी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में हमें कोई सजेशन देना चाहती है, हम उसको सुनेंगे। अगर वो वैलिड सजेशन है, हम शायद उसको एक्सेप्ट भी कर लें, तो उसके खिलाफ नहीं हूं मैं। मगर वहां से लेकर आप प्रेसिडेंट रूम में जंप मार दें, वो अलग बात है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल राहुल जी ने आज लिए और ये इंटरैक्शंस का दौर जारी रहेगा। बहुत सारे साथियों के प्रश्न आज हम नहीं ले पाए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार फिर नेक्स्ट इंटरैक्शन